क्वेश्चन है, ओके, कौन कौन से क्वेश्चन है वो इसके बारे में मैंने डाल दिए थे, 47, 48, 49, 50, 41 एंड 44 वाले कितने क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। स्टार्ट में मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, ओके, सब कुछ स्क्रीन दिख रही है। यस सर, यस सर। यस सर। ओके चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर आर इन द रेशियो द 5:6 एंड 8 इज अ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द ईच नंबर देन द रेशियो बिकम अ 4:5, द फाइंड द नंबर ऑफ, मतलब कि यहाँ पे रेशियो दिया है, मतलब कि दो नंबर का रेशियो दिया है, 5:6 है, और उन दोनों नंबर में से हम 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों नंबर में से, तो उनका रेशियो बन जाएगा 5:4:5, तो फाइंड द नंबर, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, हमारे जो फ्रैक्शन वाले जिस टाइप के नंबर से थे उसके जैसे ही है, पर लिखने का थोड़ा तरीका अलग है, अदरवाइज दोनों क्वेश्चन सेम ही है। लिखते हैं, पहले तो जो भी फाइंड करना है उसको एज्यूम करना होता है कि लेट सॉल्यूशन कि लेट अगर टू नंबर दियर एक्स एंड वाई, लेट अगर टू नंबर दियर एक्स एंड वाई, हमारे दो नंबर कौन सा है, एक्स एंड वाई। फर्स्ट कंडीशन है, टू नंबर आर रेशियो इन द 5:6, दो नंबर का रेशियो क्या है, 5:6 है, यानी कि रेशियो मतलब कि 5x/y इज इक्वल टू 5/6 है, x/y इज इक्वल टू 5/6 है, ये रेशियो है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5/6 इंटू वाई, ये कंडीशन है, इस कंडीशन से लिख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे होगा 6x इज इक्वल टू 5y, देन 6x-5y इज इक्वल टू 0, ये था हमारा क्या बन गया, इक्वेशन। यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हमें इक्वेशन बनाना आ गया तो क्वेश्चन भी हमें आ जाएगा। तो x बाई वाई था इज इक्वल टू 5/6 है, तो हमें क्या मिला, 6x-5y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ हमारा। सेकेंड इक्वेशन हमें लिखना है, तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन में कंडीशन क्या है कि a 8 इज अ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द टू नंबर, दोनों नंबर से में से 8 को सब्सट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस करना है, तो फिर उनका रेशियो क्या होगा, 4:5, यानी कि x-8/y-8 इज इक्वल टू 4:5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 5 x-8 इज इक्वल टू 4 y-8 होगा, तो 5x-40 एंड 4y-32, देन 4x-4y, 40 को राइट साइड भेज दो तो कितना होगा, 8, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिल गया, अब उसी मेथड से हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 5/6y, वो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो और वहां से सॉल्यूशन निकाल भी सकता है, ओके। तो एक्स की जगह पे 5/6 पुट करने से क्या मिलता है वो हमें चेक करेंगे, वहां से हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व कर सकते हैं अगर। तो यहाँ पे उसी मेथड से कर रहे हैं कि नाउ एक्स इज इक्वल टू 5/6 इंटू वाई, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5/6, इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 5/6 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा 5 x 5/6 y-4y इज इक्वल टू 8, तो 5 5 25 हुआ, 25 y 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 24 y, एंड यहाँ पे इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 8, वहां पे 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, 25-4 तो क्या हुआ, 5 एंड 6 8 जा
48, तो वाई की वैल्यू डायरेक्ट मुझे मिल गई 48। अब इसको मुझे कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन वन या तो इक्वेशन, यहाँ पे हम जानते हैं कि एक्स इक्वल टू 5 बाय y है, उसके अंदर भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू 5 बाय 6 y है एंड y की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो 5 बाय 6 y इज इक्वल टू 48 है, तो 6 6 यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 8, तो 5 8 या 40, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ से 14, देन x इज इक्वल टू 14। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 14, जो हमें दो नंबर फाइंड करने थे वो दोनों नंबर मिल गए, x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 49। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि अवर नंबर आर, वी रिक्वायर्ड द नंबर आर 48 एंड 40, जो दो नंबर चाहिए थे उनका रेशियो ये 40 एंड 48 है। तो पहला नंबर जो हमको चाहिए था x इज इक्वल टू 40 एंड सेकंड नंबर हमारा कौन सा है 48 है। क्लियर डन? एनी डाउट यस और नो? नो 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 सर। सर, नो नो ओके सर। ओके ओके सेकंड क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इनकम के रिलेटेड है। मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4 एंड दैट द मंथली एक्सपेंडिचर भी एंड द रेशियो 4:7:5 इज ईच सेव्ड 3,000 पर मंथ। यहाँ पे ए और बी का मंथली इनकम है, दो अलग अलग फैमिली है, दो अलग अलग पर्सन है, उन दोनों का मंथली इनकम का रेशियो दिया है 5:4 है एंड 7:5 है, और दोनों पर मंथ, दोनों का रेशियो अलग अलग है और दोनों पर मंथ सेविंग कितनी करता है, सेविंग दोनों की सेम है, कितनी है 3,000 सेम सेविंग है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनाना है। ओके फाइंड द मंथली इनकम, फिर बीच में रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके तो फिर कोई हरकत मत करना प्लीज। तो हमारे पास मंथली इनकम, तो फाइंड द मंथली इनकम, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पर्सन ए की मंथली इनकम एक्स है एंड पर्सन बी की मंथली इनकम वाई, तो मंथली इनकम फॉर ए एंड बी, ओके मंथली इनकम बोला है, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा मंथली इनकम का, तो हमें क्या दिया उसने, फाइंड करना है कि मंथली इनकम है, तो मंथली इनकम का तो उसने क्या दिया है हमें, रेशियो दे दिया मतलब 5x एंड 4x है, मंथली इनकम इज 7y, तो मतलब यहाँ पे पहले जो मंथली इनकम है वो उसका जो रेशियो दिया, तो मंथली इनकम के लिए इस क्वेश्चन में एक्स और वाई डायरेक्ट मंथली इनकम नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि सपोज कि रेशियो के, तो फॉर पर्सन ए एंड बी मंथली इनकम क्या होगा 5:4 है, उसका रेशियो क्या है 5:4 है, पर 5:4 है तो एग्जैक्टली जो मंथली इनकम होगी वो क्या होगी 5x एंड 4y। ओके 5x एंड 4y होगी मंथली इनकम हमारे पास, क्या होगी 5x एंड 4x, सॉरी पहले जो मंथली इनकम है 5x एंड 4x होगी, ये जो फर्स्ट मंथ के लिए उसने बोला है उसके लिए क्या होगा 5x एंड 4x होगा, और दूसरी जगह पे उसने क्या बोला, अगर देयर मंथली एक्सपेंडरी देयर आर रेशियो इधर 7:5, मतलब कि यहाँ पे जो मंथली इनकम बोला है कि द मंथली इनकम फॉर ए एंड बी, तो रेशियो में इनकम है तो यहाँ पे 5:4 है, तो दोनों को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनकम निकालने के लिए, हमने क्या बोला कॉमन नंबर से, फिर उसने क्या बोला कि जो हमने जो पर मंथ है उसके बाद हमने जो
इनकम तो आई, पर उस इनकम को हमने जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, खर्चा किया, मतलब कि जहाँ पे, तो उसके बाद जो हमारी सेविंग हुई, तो वो सेविंग हमारी कितनी है, 3,000। हमारी सेविंग कितनी है, 3,000। तो दोनों की सेविंग क्या हो रही है, सेम हो रही है। क्वेश्चन को पहले समझ रहा, ये क्वेश्चन दूसरा भी ऐसा सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट रेशियो दिया है वो किसका दिया, इनकम का दिया है, और जो सेकंड रेशियो मतलब क्या है, मतलब कि हम जो खर्चा कर रहे हैं उसका इनकम है, मतलब कि उसका रेशियो है 7:5 है। तो यहाँ पे हमें, तो इनकम हमारी कितनी है, 5x एंड 4x। तो यहाँ पे हमें जो लिखना है, तो इस तरह से लिखेंगे, फॉर पर्सन ए मंथली इनकम, मंथली इनकम्स आर 5x एंड 4x, 5x एंड 4x, एंड एंड मंथली एक्सपेंडिचर इज 5y एंड सॉरी 7y एंड 5y, एंड सेविंग कितनी हो रही है, 3,000। और फॉर पर्सन ए, फॉर फॉर ए का इनकम कितना है, 5x है। खर्चा कितना कर रहा है, 7y है। सेविंग कितनी है, 3,000। सिंपल तरीका, ओके, 5x इनकम है, 7y जितना उसने खर्चा किया, मतलब कि जो बिल वगैरह पे किया, और उसका सेविंग कितना है, 3,000 है। इसी तरह जो पर्सन बी है, फॉर बी के लिए भी सेम, इनकम कितनी है, 4x है। उसने कितना यूज किया, 5y जितना सैलरी यूज किया, बचा कितना, दोनों का सेविंग सेम, 3,000 ही बचा। अब बताओ इनकम कितना है, कई बार ये भी पूछा, तो ये हमने कितना यूज किया, खर्च कितना किया, वो भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दो इक्वेशन बनते, दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना। चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दोनों यहाँ पे कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि तो माइनस माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 5 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई विथ 7। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25x-35y इज इक्वल टू 15,000, ओके। एंड इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 48x-35y इज इक्वल टू 21,000। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों की सेम साइन है, तो क्या होगा, साइन को चेंज करना है, माइनस, सो सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट में माइनस होगा, माइनस प्लस एंड माइनस, तो माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा -3x, ओके, 25-3x, ओके, और यहाँ पे बचा -6,000, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2,000, ओके, x इज इक्वल टू 2,000, x की वैल्यू क्या मिली। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या फाइंड करना था, यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या फाइंड करना है, एक्स, दूसरा वाई फाइंड करने की जरूरत है नहीं, अगर आप वाई फाइंड करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि सेम टू सेम है, क्योंकि आपको सिर्फ इनकम बोला है, और इनकम कहाँ से मिल रही है, 5x एंड 4x में से। तो यहाँ पे इनकम फॉर ए इज इक्वल टू, इनकम फॉर के लिए कितनी है, 5x है, तो 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 2,000 इज इक्वल टू 10,000। ए की इनकम कितनी है, 10,000, एंड इनकम फॉर बी इज इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू 2,000
2000 इज इक्वल टू 8000। तो बी वाले की इनकम कितनी है? 8000, और ए वाले की इनकम है 10000। ओके, तो क्वेश्चन टर्म इस क्वेश्चन में देखना, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट रेशियो किसका है, हमारे इनकम का है, और यहाँ पे हम जो एक्सपांड कर रहे हैं, जो पैसे को यूज कर रहे हैं, उसका रेशियो दिया है। तो इस तरह से दोनों अलग अलग रेशियो है, ऐसे क्वेश्चन में गलती ना हो हमें ध्यान रखना। ओके, डन? एनी डाउट? नो ओके, नो सर, नो नो डाउट, सर, नो सर, ओके नो ओके 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 डन। जो 50 नंबर का क्वेश्चन है भी, वो भी सेम टू सेम है। फर्स्ट क्या दिया है आपको? एनुअल इनकम भी है और एनुअल एक्सपांड, मतलब कि आपको एनुअल टोटल खर्च भी दिया है। तो इस तरह से दोनों को सेम टू सेम रेशियो है, सिर्फ यहाँ पे 3000 की जगह पे कितना दिया है? 15000 दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगी। ओके, तो 50000 है जो ये 50 नंबर का है, वो होमवर्क है, खुद ट्राई करना है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन अंदर के थोड़ा भी चेंज नहीं किया। नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन कर दें। ओके, अब यहाँ पे परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन लाइट दिख रहा है। ओके, 51। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गए, ये जो 50 से पहले के जो क्वेश्चन थे वो किसके थे? रेशियो वाले क्वेश्चन थे, वो काले किस टाइप के थे? रेशियो वाले। तो हमने रेशियो वाले दो क्वेश्चन किए, जिसमें एक नंबर के रिलेटेड था और दूसरा इनकम के रिलेटेड था। अब यहाँ पे परसेंटेज वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको परसेंटेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन है, जो परसेंटेज के फॉर्मेट में दिया। ओके, जामिया सोल्ड द टेबल एंड चेयर। कंडीशन क्वेश्चन क्या है कि जामिया सोल्ड द टेबल एंड चेयर, जामिया है वो टेबल एंड चेयर को क्या कर रही है? सोल्ड कर रही, बेच रही है, सेल कर रही है। तो वहां पे वो तो 1050 दैट बी द मेकिंग अ प्रॉफिट 20% ऑन चेयर, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा ऐड कर दा 10% ऑन टेबल। ओके, यहाँ पे ऐड करना कि 10% है, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है, 10% ऑन टेबल, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ओके, 25% ऑन चेयर, उसको 25% चेयर पे प्रॉफिट हो रहा है एंड 10% टेबल पे प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे केस में ये हो रहा है कि तो टेक अ प्रॉफिट 25% ऑन टेबल एंड 10% ऑन चेयर, तो सी वुड टू गॉट 1065 रुपीज। कंडीशन कैसा है कि वो ₹1050 कम प्रॉफिट ले रही है, तो उसमें 25% किसके ऊपर है? चेयर के ऊपर है, और वहां पे 10% किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है। दूसरे केस में क्या है, 1065 रुपीज प्रॉफिट ले रही है, उसमें 10% टेबल के ऊपर है एंड 25% किसके ऊपर है? चेयर के ऊपर है। तो इस तरह का दोनों का कंडीशन है, तो वो हम देख लेते हैं। तो पूरा क्वेश्चन किस तरह से है, चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस इज, दोनों की प्राइस को पहले तो एज्यूम कर, द कॉस्ट ऑफ टेबल बियर ₹X, लेट लेट द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल बियर ₹X। टेबल की प्राइस कितनी है? एक्स। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर बियर ₹Y। ओके, चेयर की प्राइस, टेबल की प्राइस एक्स है, एंड चेयर की प्राइस कितनी रखी है? वाई रखी है। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, 25% किसके ऊपर है? चेयर के ऊपर, और टेबल के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10% हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10% सिर्फ हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पे याद रखना कि टोटल प्राइस क्या होगा, जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे प्राइस तो क्या होगी? ज्यादा होगी। सपोज यहाँ पे मैं बोला कि मेरे को 10%, मतलब कि ऐसा मान रहा हूं कि मैंने कोई एक चीज बेची, मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में सेल किया, उसके ऊपर मुझे मिले ₹10 में। ओके,
मैंने जितने मेरे लाया था उसमें से मुझे कितने मिले, 10 रुपीज मिले। तो वहां पे सब कुछ के मैंने खरीदा कितने में था, 100 रुपये, उसको 100 में बेचा। ओके, वहां पे सपोज उसको मुझे 100 रुपये में मैं लाया हूँ और वहां पे मुझे 10% प्रॉफिट लेना है, तो मैं उसको कितने पैसे में बेचूंगा, 1 एंड 10 रुपीज में बेचूंगा, तभी मुझे क्या मिलेगा, 10% प्रॉफिट मिलेगा उसके हिसाब से, कि जितने में मैंने, मेरी जो प्राइस है, मैंने 100 रुपये में खरीदा है और मुझे लेना प्रॉफिट कितना है, 10 रुपीज है, तो मैं उसका प्राइस क्या हो जाएगा, 1 एंड 10 हो जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक रूल है। क्या याद रखना है कि मैंने कोई एक प्रोडक्ट खरीदी, आपने 10 रुपये में एक कैंडी खरीदी, आप अपने दोस्त को, आपको उसमें से 1 रुपया कमाना, तो आप अपने दोस्त को कितने रुपये में बेचोगे, तो 11 रुपये में बेचोगे। तो इसी तरह की आपके पास प्रोडक्ट एक है, 100 रुपये में आपने किसी के पास से खरीदा और आज आपको उसमें से 10 रुपये कमाना है, तो आप किसको कितने में बेचोगे, 1 एंड 10 हंड्रेड में बेचोगे, सॉरी 1 एंड 10 में बेचोगे। तो इसी तरह यहाँ पे मेरे पास जो चेयर है वो कितना परसेंट मुझे उसमें से, सॉरी टेबल में से मुझे 10% प्रॉफिट कमाना है, तो उसको मुझे बेचना कितने में पड़ेगा, तो वहां पे 1 एंड 10 रुपीज में मैं बेचूंगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 एंड 10 अपॉन x प्रॉफिट था, ओके सॉरी 1 एंड 10, और जो हमारा प्राइस है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसको प्रॉफिट है तो जितना परसेंटेज है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और परसेंटेज है तो हमें उसको नंबर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो मेरा एक्चुअल प्राइस से कौन सी है, एक्स है। इसी तरह यहाँ पे मुझे कितना लेना है, 25% प्रॉफिट लेना है, तो 125 डिवाइड बाय 100 इंटू वाई, तो इज इक्वल, दोनों का मिला के कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरा, 150 प्रॉफिट। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 050। चलो जो भी कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा। ओके, 5 कॉमन निकलेगा, 5 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 20x, ओके यहाँ पे 25y, और यहाँ पे आपका बचेगा, ओके 21,000, ओके 21,000, ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इक्वेशन 2 बना दे। अब इक्वेशन 2 में हमें बोला है कितना परसेंटेज टेबल के लिए, सॉरी टेबल के लिए 25% बोला, और चेयर के लिए 10 उल्टा हो, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे होगा 120x अपॉन 100 एंड 110y अपॉन 100 इज इक्वल टू 165, 125x प्लस 110y इज इक्वल टू 1065। कॉमन क्या निकलेगा, सेम 5 ही यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बाय 25x, सॉरी 25x एंड 22y इज इक्वल टू, डिवाइड करो 1065, तो यहाँ पे आएगा 21,300 इक्वेशन 2। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 एंड 2 है, सिंपल तरीका है हमारे पास, ये भाई एलिमिनेशन मेथड से यूज करो या तो और किसी मेथड से, तो कोई भी मेथड कर सकते हैं, दोनों को एक काम कर सकते हैं, दोनों का हम क्या करेंगे यहाँ पे सम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 25 25, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि किसी भी, या इसको 22 से मल्टीप्लाई करो, इसको 25 से करोगे तो बहुत बड़ा नंबर होगा, तो ऐसे इक्वेशन में क्या करते हैं, प्लस करके कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से प्लस करते हो तो यहाँ पे होगा 22 प्लस 25, तो 47x, 47x प्लस 40y इज इक्वल टू
42,300 ओके आपको ही मिल जाएगा। यहाँ पे 47 कॉमन निकलेगा, तो डिवाइड बाय 47 कर दो, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 900 मिलेगा। ओके इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिला 900। अब यहाँ पे इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू पर, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करोगे तो माइनस 3x फिर प्लस 3y माइनस 300। यहाँ पे 3 को माइनस 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे माइनस 3 करना है नहीं करना तो भी चलेगा, तो मैं 3 कॉमन निकाल दूंगी, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 100 रहेगा। तो इक्वेशन 4। अब यहाँ पे एक्स और वाई की फॉर्मेट में सिंपल तरीके से इक्वेशन आ रहा है। पहले तो इक्वेशन को हमने सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 22 और 25 से, पर वो थोड़ा बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, ऑकवर्ड ना हो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको इस तरह से किया। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 कर दो। अब ये जो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 है उसका हम प्लस कर रहे हैं, किसका करें इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 3 एंड प्लस का 4 करेंगे तो ये एक्स वाई, एक्स वाई वो क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2y, 9x है और माइनस एक्स है वो दोनों कैंसल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8x, तो वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारा 4x, वाई इज इक्वल टू 4x। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख लो, फ्रॉम 3, तो फ्रॉम 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू 900, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया 500, तो एक्स इज इक्वल टू 500 एंड वाई इज इक्वल टू 300, तो फाइनल हमारा आंसर क्या है कि वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 500, यानी कि हमारे जो टेबल की प्राइस है वो 500 है एंड चेयर की प्राइस है वो 400 है। तो फाइनली हमें क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। इस क्वेश्चन में किसको डाउट था? यस और नो? नो सर। ओके।